हाँ और 16 माला भी करें, हाँ दर पड़ती है और ऊपर की पुष्टि पड़ती है, इसके बाद क्या आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं? नहीं, जब तक कि आपको दीक्षा ना मिले गायत्री की। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र के लिए दीक्षा की जरूरत नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, परंतु गायत्री के लिए दीक्षा की जरूरत है। हरे कृष्ण महामंत्र की जब हम दीक्षा, जो दीक्षा देते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा नहीं होती प्रभु जी, वो हकीकत के अंदर पद्म पुराण के अंदर बताया गया है कि आपका नाम बदला जाना चाहिए। क्या बताया जाना चाहिए? नाम। आपको याद रहना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो इसलिए ये अनिवार्य बताया गया दीक्षा की कुछ चीज, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर दीक्षा की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र आप जपते जप सकते हैं, परंतु बेसिक फैक्ट यह है क्योंकि उस 10 हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर 10 नाम अपराध आए हैं, उसमें से तीसरा नाम अपराध क्या है? गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना, उसका मतलब गुरु का धारण, गुरु को आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी तीसरी तो आप तोड़ते रहोगे। तीसरी तोड़ने के कारण क्या होगा? आपकी कभी भी चैंटिंग प्योर नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? प्योर नहीं हो पाएगी। जब वो प्योर नहीं हो पाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो गुरु भी क्या, हर टाइम ध्यान रखना, गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपके डे टू डे लाइफ के अंदर आपके 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 साथ एक्टिवेटेड रहे। अगर वो एक्टिवेटेड नहीं रहता है प्रभु जी, फिर भी वो गुरु नहीं है। वो आपका गुरु है परंतु वो गुरु होते हुए भी गुरु नहीं है, क्योंकि वो एक किस्म से क्या हुआ, पैसिव प्रिंसिपल हो गया। और गुरु कभी पैसिव प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। गुरु क्या होना चाहिए? एक्टिव प्रिंसिपल होना चाहिए। इसी को कहते हैं दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। प्रभुपाद जी हमारे दीक्षा गुरु हैं, पैसिव प्रिंसिपल हैं, एक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, परंतु वो तारेंगे। तो शिक्षा गुरु क्या हुआ? आपके एक्टिव प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? एक्टिव प्रिंसिपल हो गया। वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर आप पूछ सकते हो, ये करूं ये करूं, कैसे करूं क्या करूं, इस तरीके से आप उसके अंदर आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए ये नहीं तो, परंतु गायत्री बाकी वेदों के किसी मंत्र के लिए भी आपको क्या चाहिए? दीक्षा चाहिए। चाहिए जब भी हम भी जब दीक्षा, हमें भी दीक्षा जब मिलती है तो बेसिकली हमारे को भी गायत्री कान में फूंकी जाती है। क्या करी जाती है? कान में फूंकी का मतलब उच्चारण किया जाता है। गाय और गायत्री गाई बड़े उच्च स्वर में गाई नहीं जाती। नहीं, शास्त्र तो नहीं कहते। आप किसी पुराने पंडित जी से मिल लेना जो कि ऑनेस्ट ब्राह्मण होगा, बता देगा आपको। फिर कान में क्यों बोला गया? उस टाइम भी लाउड स्पीकर पर बता देते। हरे कृष्ण महामंत्र का एक बताऊं क्या है, ये नाम भी है और मंत्र भी है। क्या है? ये नाम भी है और मंत्र भी है, क्योंकि नाम है इसलिए आप उस स्वर में ले सकते हैं। मंत्र नाम में इंक्लूडेड है, मंत्र जो है वो नाम में इंक्लूडेड है, नाम मंत्र में इंक्लूडेड नहीं है इसमें हरे कृष्ण में जब जब पढ़ते हो, क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर समस्त चीजें निहित हैं, तो मंत्र भी निहित है, इसलिए आप हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण रूप से कर। परंतु गायत्री मंत्र नहीं, वेदों का कोई भी मंत्र है प्रभु जी, अगर आपको पावर चाहिए उस मंत्र के अंदर तो आपको, आप उच्च स्वर में नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको गुरु के द्वारा मिलता है, कान में दिया जाता है, जिसके कारण कि वो क्या रहना चाहिए, आपका पर्सनल रहना चाहिए। आपका क्या रहना चाहिए? पर्सनल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर, youtube.com/divgita, लाइक आर पेज, facebook.com/divgita, कॉन्टैक्ट अस +91 92 1053 1053, www.givegita.com, contact@givegita.com.